यूनिवर्स में सबसे गर्म टेम्परेचर क्या हो सकता है? टेम्परेचर पार्टिकल्स के कलेक्शन की एवरेज एनर्जी का मेजर है। ऐसा ही एक कलेक्शन हमारे सूर्य के केंद्र में पाया जाता है, जहां लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच जाता है। बहुत बड़े सितारों का कोर तापमान 500 मिलियन सेल्सियस से ऊपर हो सकता है। एक विशाल तारे के सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होने से ठीक पहले कुछ सैद्धांतिक मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि इसका कोर विस्फोट की प्रक्रिया में 100 बिलियन केल्विन से अधिक तापमान तक पहुंच सकता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन तारे के एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी के करीब पहुंचता है। इससे पहले कि ब्रह्मांड एक सेकंड पुराना हो, पदार्थ न्यूक्लियॉन और मूल कणों का एक डेंस प्लाज्मा था। हम इस प्लाज्मा का तापमान टी केल्विन में टी इक्वल टू 10^10 स्क्वायर रूट टी सूत्र का उपयोग करके अनुमान लगा सकते हैं, जहां टी बिग बैंग के बाद से सेकंड में समय है। 10 माइक्रोसेकंड तक ब्रह्मांड की सामग्री का औसत तापमान 3 ट्रिलियन केल्विन है, जो कि क्वार्क ग्लून प्लाज्मा लगभग 300 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा खोजी गई ऊर्जा के बराबर है। लेकिन इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप इसे कितनी दूर पीछे यानी बिग बैंग के समय के करीब ले जाना चाहते हैं, आपको अभी भी अधिक तापमान मिल सकता है। थियोरेटिकल लिमिट वह हो सकती है जिसे 10^32 केल्विन का प्लैंक तापमान कहा जाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण जी, प्रकाश की गति सी, प्लैंक स्थिरांक एच और बोल्ट्जमैन स्थिरांक के लिए फंडामेंटल कांस्टेंट का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह सीमा है जहां क्वांटम ग्रेविटी प्रभावों के कारण स्पेस एंड टाइम ब्रेकडाउन हो जाते हैं और आप अपने एफर्ट के लिए क्वांटम ब्लैक होल बनाए बिना पार्टिकल्स की सिस्टम में अधिक ऊर्जा नहीं डाल सकते हैं।